सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मीटो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं YouTube रिलेटेड अपडेट्स। तो YouTube की तरफ से तीन अपडेट निकाल के आया है, वो तीनों अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या अपडेट है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और YouTube स्टूडियो फीचर्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में पूरा अपडेट हम देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, YouTube की तरफ से जो पहला अपडेट निकाल के आया है वो है कस्टम इमोजी। फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को चैनल का जो मेंबरशिप है वो अगर एनेबल करके रखा हुआ है तो आपको पता होगा वो इमोजी आपके कमेंट में या फिर आपका वीडियो चैट में या फिर लाइव वीडियो चैट में कस्टम इमोजी को यूज कर पाते थे, वो भी हर किसी व्यूअर्स को वो फीचर्स नहीं मिलता था। अभी क्या क्या है यूट्यूब के तरफ से जो अभी निकल के आया है वो अपडेट, इसमें बताया गया कि जो कस्टम इमोजी है वो जितने भी आपका व्यूअर्स है सारे व्यूअर्स अपना जो कस्टम इमोजी है वो यूज कर सकते हैं और आपका जो वीडियो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई भी इमोजी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी उसमें भी अपडेट और आया है कि आपका जो लाइव सेशन है लाइव सेशन में भी आपका कमेंट चैट में उसमें भी जो व्यूअर्स है व्यूअर्स कस्टम इमोजी यूज कर सकते हैं। तो यह था पहला अपडेट यूट्यूब की तरफ से। तो YouTube की तरफ से जो सेकंड अपडेट है वो है YPP के ऊपर, मतलब YPP को लेके जो सेकंड अपडेट निकल के आया है। कुछ दिन पहले जो पिछला जो न्यूज फ्लैश हुआ था उस अपडेट में हमें बताया गया कि YouTube में जितने भी अनमोनेटाइज चैनल है और YPP का एग्रीमेंट साइन किया हुआ जितने भी चैनल है और उन चैनल में अगर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर 1 मंथ के अंदर अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उनके चैनल को क्या होगा YouTube के YPP पार्टनर प्रोग्राम से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अभी जो न्यूज फ्लैश है उसमें बताया गया कि अब जो चैनल है उस चैनल को तो टर्मिनेट किया जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उस चैनल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर उन क्रिएटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपने चैनल में जो भी फीचर्स है वो यूज कर पाएंगे और अपना चैनल को स्मूथली रन कर पाएंगे। लेकिन जब उनका चैनल थ्रेशहोल्ड कंप्लीट कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लेंगे, तब उनके चैनल में फिर से YPP का एग्रीमेंट दिया जाएगा और फिर से वो YPP में एग्रीमेंट साइन करेंगे। और ये जो अपडेट है, ये जो एक्शन अभी YouTube की तरफ से लिया गया है, ये सिर्फ बेटरमेंट के लिए लिया गया है। YPP में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, उसी वजह से क्या हुआ वो जितने भी चैनल है उस चैनल को हटा दिया जा रहा है और उसमें आपको जब आप नया से एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, YouTube की तरफ से जो तीसरा अपडेट निकल के आया है वो है कैप्शन रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब भी आपका चैनल में कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हो तो नीचे आपको सबटाइटल ऐड करने की ऑप्शन दिया जाता है, साथ ही साथ आपको कैप्शन भी ऐड करने की ऑप्शन दिया जाता है। तो बहुत सारा ऐसा क्रिएटर है, क्या होता है उनके चैनल में या फिर उनके वीडियो में वो कैप्शन यूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है यूट्यूब अपने तरफ से डिफॉल्ट कैप्शन क्रिएट करता है और इसमें तरह तरह का वर्ड जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं वो यूज होते हैं और इसके वजह से क्या होता है अपने चैनल के जो वीडियोस है उसमें आपको इम्पैक्ट होता है। तो YouTube की तरफ से जो अभी निकल के आया है वो अपडेट, इसमें बताया गया कि जो डिफॉल्ट कैप्शन क्रिएट है वो तो डिफॉल्ट क्रिएट करेंगे और इसमें जो भी कैप्शन क्रिएट होगा आप इसको रिव्यू कर सकते हो और उसमें अगर कुछ भी चेंजेस आप करना चाहते हो कैप्शन में तो आप चेंजेस भी कर सकते हो एंड साथ ही साथ आपका जो सबटाइटल होगा सबटाइटल में भी आप चेंजेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही था यूट्यूब की तरफ से आज का अपडेट। सो फ्रेंड्स, आज के जो YouTube रिलेटेड जो अपडेट है उसमें आपको क्या क्या चेंजेस अच्छा लगा है और आपका क्या क्या रिकमेंडेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।